हिमाचल प्रदेश में एसएमसी शिक्षकों का क्रमिक अनशन जारी है और आज से पेंडाउन स्ट्राइक भी इन्होंने शुरू कर दी है। दरअसल कक्षाओं का बहिष्कार करने का ऐलान इन्होंने पहले ही कर दिया था। पिछले कल कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है जिसमें बड़ा निर्णय ये लिया गया है कि 3 से 4 सुझाव को लेकर जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई है कैबिनेट सब कमेटी की ओर से, उसे कैबिनेट में रखा जाएगा। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं इनसे जानेंगे और ये पेंडाउन स्ट्राइक इनकी कब तक जारी रहने वाली है इस बारे में भी इनसे बात करना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल में। थैंक यू मैम, और मैं अपने समस्त एसएमसी अध्यापकों की तरफ से दिव्य हिमाचल टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे आवाज को लगातार सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे, पिछले कल कैबिनेट सब कमेटी की पहली बैठक हुई है, हालांकि असर हमें ये क्रमिक अनशन का ही देखने के लिए मिला है, लेकिन रिपोर्ट पेश की जाएगी सरकार के समक्ष, अब ये बात कही जा रही है कैबिनेट सब कमेटी की ओर से। देखिए, क्योंकि माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि कुछ सजेशन जो दिए गए हैं, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो, या हमारा जो अनशन है यहाँ पर बैठने का, हमारा जो उद्देश्य है वो नियमितीकरण को लेकर है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया है, लगभग 12वें वर्ष में जो है वो हम आ चुके हैं, तो इस समय जो है वो वाकई सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई सही है, लेकिन अंतिम निर्णय जो कैबिनेट ने करना है, तो जब तक कैबिनेट से कोई निर्णय नहीं आता तब तक हम जो है वो अभी तक जो आश्वस्त नहीं होंगे। पेंडाउन स्ट्राइक आपकी कब तक जारी रहेगी, क्योंकि कक्षाओं का जो आप ये बहिष्कार कर रहे हैं, कितना ज्यादा असर इसका बच्चों पर पड़ेगा, कितने एसएमसी शिक्षक हैं और अपने विषय के साथ साथ अलग विषयों को भी जो पढ़ाते हैं। देखिए मैडम, 2555 पूरे प्रदेश में जो है वो कार्यरत हैं एसएमसी शिक्षक, और मैक्सिमम जो शिक्षक हैं वो ऐसे एरिया, क्योंकि ये पॉलिसी ऐसे एरिया के लिए बनी हुई है जहां पर हार्ड और ड्राइव एरिया है, जहां पर रेगुलर टीचर जो है वो नहीं जाते हैं, तो मैक्सिमम स्कूलों में बहुत ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर केवल एसएमसी से अपॉइंटेड शिक्षक हैं, और खासकर हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो एसएमसी से अपॉइंटेड हैं। तो क्योंकि अभी परीक्षाओं का दौर है, और अगर सरकार जो है वो बहुत जल्दी हमारे फेवर में निर्णय नहीं लेती, और हमारा मांग है केवल नियमितीकरण के लिए, जो मतलब सरकार अगर कोई सॉलिड इसके लिए स्टेप नहीं उठाती, तो हम इस पेंडाउन स्ट्राइक को जो है वो आने वाले समय में भी जारी रखेंगे। तो पॉलिसी बनने में तो अभी काफी ज्यादा समय लग जाएगा, अभी तो क्योंकि देखिए पहली बैठक हुई है, इसके बाद रिपोर्ट कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी, क्या तब तक इतने महीनों में अपनी इसी स्ट्राइक को जारी रखेंगे? देखिए, कैबिनेट से जो डिसीजन होते हैं वो फाइनल होते हैं और गवर्नमेंट को वो करना पड़ता है। अगर कैबिनेट इसको फाइनल कर देती है हमारे लिए, क्योंकि जो भी प्रपोजल है उसमें से अगर जो हमारे नियमितीकरण के लिए जो वेस्ट प्रपोजल है उसको अगर फाइनल कर देती है, तो तब जो है वो औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि कैबिनेट की अप्रूवल ही फाइनल है। मैम, अब पिछले कल शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि कानूनी राय भी इसमें ली गई है, क्योंकि इससे पहले कोर्ट के दरवाजे भी इन दोनों ही वर्गों की ओर से खटखटाए गए हैं, एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षक। आप क्या कहना चाहेंगे, और ये जो कानूनी राय ली जा रही है, क्या आप इसे जरूरी समझते थे? मैडम, कानूनी राय लेना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जब इतना लंबा समय हो चुका है तो सिंपैथी बेस पे गवर्नमेंट कर सकती है। जब 10 से 12 सालों का समय हो चुका है तो उसमें क्या कानूनी राय लेनी है, क्योंकि बात है अपॉइंटमेंट किस तरीके से हुई थी, इसको लेकर एसएमसी पॉलिसी को लेकर जो है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ चुकी है कि ये पॉलिसी गुड एंड फेयर है। अब सरकार अगर इस टेम्परेरी अरेंजमेंट को इतना लंबा खींच रही है, तो हमारा राइट बनता है, और सुप्रीम कोर्ट का ऐसे डिसीजन है कि सिंपैथी बेस पे एक लंबे टाइम तक आप किसी को भी जो है वो टेम्परेरी या उसको शॉर्ट गैप नहीं रख सकते, उसकी सेवाएं आपको नियमित करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपने एक इतना लंबा समय जो है वो उस विभाग को, उस डिपार्टमेंट को दिया है, तो सिंपैथी बेस पे गवर्नमेंट कर सकती है, इसमें कानूनी राय की कोई बात नहीं। जमीन पर बैठे हैं कई दिन हो गए हैं, किस तरह की परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है? मैडम देखिए, शिमला की इतनी ठंड है और बिल्कुल शेल्टर में हम बैठे हुए हैं, तो ये मतलब रियली एक मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा दुख देने वाला है, क्योंकि रात को जब इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं सुबह, तो मतलब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ सर्वाइव करना कितना मुश्किल है, और हमारी फैमिली के लोग जब हमें देखते हैं मीडिया के माध्यम से, जब हम देखते हैं तो उन्हें कितना मतलब पेनफुल होता होगा कि जो उनके मतलब जो उनके बच्चे हैं या जिन किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, वो इस तरह से सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। 6 महीने में पहली मर्तबा ही सही लेकिन एक कदम उठा लिया गया है, किस तरह से देखते हैं? बैठक भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब तो पहली बैठक हो चुकी है और आगे के लिए फाइनल रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। मैडम, अगर सरकार हमारे फेवर में करती है तो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा, कि अगर सरकार ने बैठक करी है तो उसके फ्रूटफुल रिजल्ट हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। अगले कल की कैबिनेट में अगर कोई भी डिसीजन सामने
नहीं आता है जो आपको एक तरह से सहमत कर सके, तो फिर क्या बजट सेशन के लिए कोई रणनीति तैयार कर रहा है? मैडम, इसके बाद जो है वो हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी, कक्षाओं का जो बहिष्कार है वो जारी रहेगा और अनशन भी जारी रहेगा। हाँ जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू। तो देखिए, फिलहाल ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए थे क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। अब सरकार ने पहला कदम उठा लिया है, उसके बाद आगामी रणनीति एसएमसीज की क्या कुछ रहने वाली है। हालांकि फाइनल रिपोर्ट जल्दी ही कैबिनेट में अगले कल रखी जाएगी, ये बात शिक्षा मंत्री की ओर से जरूर कह दी गई है, लेकिन फायदा तभी है जब कोई डिसीजन भी उस पर लिया जाए, यानी कि एक तरह से मोहर जब तक उस फाइनल रिपोर्ट पर नहीं लगती है तब तक ये यहां से नहीं उठने वाले हैं, ये बात इनकी ओर से कही जा रही है। तो फिलहाल के लिए यही जानकारी, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी, धन्यवाद।